हेलो एवरीवन, सो मैं आ गई हूँ अपनी यूट्यूब वीडियो के साथ। और लास्ट टाइम हमारी बहुत ही वायरल गई थी वीडियो कि हम कौन से प्रोडक्ट्स रीपरचेज करना चाहते हैं। सो दोबारा अब आ गया हमारा पार्ट टू। सो सीता सारा दसांगे कि ऐसी की चीज़ें रीपरचेज करना चाहते हैं। पहले बैकग्राउंड नहीं देखना है, गंद मचिया हुआ, बट सो इट्स फाइन। आई थिंक सानू वीडियो बनानी ज़्यादा जरूरी सी। असी मैनू लगता आपां नू मैं साफ कर दूंगा गंद। नहीं तो जान दे प्लीज। नो एक होर चीज कहना चाहनी है, असि बना लेंगे सी बहुत ही सोहनी वीडियो मेकअप वाली, बट कैन यू सी दिस। यार मैनू कदी कदी ना सनबर्न हो जाता है, तो आ हो गया। फिर मैं क्या यार फ्लॉलैस मेकअप लिए मैंने फ्लॉलैस फेस चाहिए है। फिर मैं थोड़ी देर रुक जाने, कल कर लाँगी जब तक ठीक हो जाएगा। मैं मॉइस्चराइजर थोड़ा एक्स्ट्रा ला लाँगी। तो करिए शुरू फिर। सो पहले प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, मतलब ये बिना मैंने लगता साड़ी गड्डी नहीं चलती। ब्राउन कलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपनी वैनिटी दे विच। एक ब्राउन शेड दसन वाली जो कि बहुत सोहना लगता है फॉर माई ब्राइड्स। इसको आप चाहे लाइट लिप लाइनर के साथ मैच कर लो, या फिर तुसी कर सकते हो गूढ़े डार्क ब्राउन लिपर के नाल। टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइज। सो द शेड इज हार्ट ब्रेकर। सो ये बहुत ज़्यादा सुंदर शेड है। मैं आपू अपलाई करके दिखाने, आपलाई करके दिखा दें। इधर कर दें, इधर इधर साफ सुथरा हाथ है। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्राउन शेड फॉर ब्राइट्स। एक होर शेड तुम सारा दस दिनी हाँ, कॉम्प्लीमेंटरी ला लो यार, नहीं तो मैं एक ही दसना सी, मैं सोचा नहीं कर देने। दिस इज एक्स्ट्रा टोस्टी, ये भी बहुत सुंदर ब्राउन शेड है। सो एक हो गया आवला शेड। सो ये दोनों शेड्स बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे जाते हैं, ठीक है। सो मैक के ब्लशर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इसलिए वजिया लगते हैं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एक तो मैंने सारा कुछ पर्सनली बहुत ही लगता है। सो दो तीन चार पांच बार मैंने बाय किया है जो प्रोडक्ट, वो इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज यू नो आप आराम से उसको बिल्ड कर सकते हो। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, ब्लशर्स आते हैं, लिता पिगमेंट ऐदा लाया ऐदा छप जाता है, यू नो डस्ट ऑफ करना पड़ता है। बट इसको नहीं ऐसा करना पड़ता, आपने लिया और अप्लाई किया, बड़ा सॉफ्टली चलता है। एंड द कलर इज फ्लोर पार, FLEUR, फ्लोर पार, ओके। तो ये है सुंदर सा पिंक शेड। ये फेयर मीडियम सबके लिए बहुत ही अच्छा जाता है और मैंने बहुत बार ब्राइड्स पे लगाया है। नहीं तो मुझे पिंक लेना पड़ता है तो मैं हमेशा यदि लेयरिंग कर देती हूँ, नीचे लगाया उसके ऊपर मैं टॉप इट अप करती हूँ विद डिफरेंट डिफरेंट पिंक। बट ये मेरे सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ ब्लशर है जो मैं हर बार लेती हूँ। ख़त्म हो गया ये, देखो आप न्यू पैकिंग देखोगे इसकी मेरी, और मैं कितने टाइम से रेकमेंड कर रही हूँ, इट मीन्स मैंने न्यू लिया। तो इस पे जाके यू कैन इन्वेस्ट। दिस इज फ्रॉम मैक कॉस्मेटिक्स। सो जो नेक्स्ट शेड बताने वाली हूँ लिपर का, ये तो तुसी पक्का यार पेन कॉपी लेके नोट कर लो, बिकॉज ये इस लिपर के लिए मुझे सारे लोग ही पूछ रहे हैं, मैम कौन सा लिपर लगाया, मैम कौन सा लिपर लगाया। सो आई थिंक 80% मैं ये वाला लिपर अप्लाई करती करती जो मैंने दिखना होता है ब्राउन विच थोड़ा हॉट लुक। सो ये कलर है 703 फ्रॉम काइली, और इसी का ही लिप लाइनर यूज करती हूँ, वो इसी ब्रांड का लिपर यूज करती हूँ। और ये कॉम्बो आता है लिप लाइनर एंड लिपर। सो इसका भी शेड देख लो, हर एक पे ना ये थोड़ा सा डिफरेंट जाता है, कईयों पे लाइट रहता है कईयों पे डार्क, पर मेरे लिए बहुत सुंदर ब्राउन शेड है। सो ये कलर है एंड आई जस्ट लव इट। जब मैं हॉट जहाँ दिखना होता है ना तो मैं हमेशा ये लिप लाइनर के नाल लिपर लगानी हाँ। सो दोनों कट्ठे मिलते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है। एंड द लिप लाइनर इज सुपर क्रीमी। तुम इस लिप लाइनर नो अकेले लगा के यू कैन पुट अ ग्लॉस ऑल्सो। मैं बहुत बार ये करती हूँ, लिपर नहीं भी लगाती हूँ। सो इट्स ओके, लिप लाइनर इतनी सोहनी फिलिंग करते हैं तो लिपर दिखे हुए लोड़ नहीं पैंते। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं लेकर आई हूँ वो सबको बहुत पसंद है, बहुत वायरल प्रोडक्ट था। सो ये है एक टिंट जो कि आप सेल्फ यूज के लिए यूज कर सकते हो, या फिर तुम यूज कर सकते हो फॉर यू नो अपने ब्राइड्स से जिनको हल्का सा यू नो टिंट चाहिए। सो दिस इज फ्रॉम बेनिफिट कॉस्मेटिक्स। मेरे पास दोनों है, एक मेरे पास ये वाला भी है और मेरे पास वो वाटर इफेक्ट वाला भी है, वो सेल्फ के लिए यूज कर लो। ये थोड़ा पिगमेंटेड है, मैं आज भी लगा सकती थी बट आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल। सो मैंने आज कुछ नहीं लगाया। सो ये वाला आप अपने बैग में हमेशा कैरी कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर टेंट है। एक बार आदत पड़ जाएगी तो फिर भाई लत लग जाती है ना कभी कभी चीजों की, तो आपको अच्छी लगती है। एक सुंदर सा मस्कारा होना वैनिटी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो कि हो भी वाटर प्रूफ। ओके, सो एक सुंदर सा मस्कारा लेकर आई हूँ। यार ये फॉरन देश तो मिलन नहीं वाला, पर इंडियन यू नो पब्लिक नु जरूर मिल जाएगा। पच पच के ले लियो, नहीं पच के नहीं, वेबसाइट तो ले लियो, शॉप तो ले लियो,
लाली ऊपर और तभी हंस रही है मेरे जोक से. ओके सो दिस मस्कारा इज फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी. सबसे अच्छी चीज इसके दो वॉन्ड्स हैं, एक है पतला वाला वॉन्ड, एक है मोटा वाला वॉन्ड. इसका सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी मैं बताऊं, जैसा मर्जी वेदर हो ये मस्कारा हिलता नहीं है, हिलता डुलता ही नहीं है. मैं रो भी लवांगी ना, रो भी लवांगी ता भी मेरा मस्कारा अगर बाई चांस उतरे तो पपड़ी बन के उतरेगा. क्योंकि बोलते हैं ना लोगों को यहाँ पे निशान बन जाते हैं, मैंने अच्छे से अच्छे मस्कारा यूज किया. मैं किसी से बेइज्जती नहीं करना चाहती, बट ये वाला मस्कारा वन ऑफ माई फेवरेट. इसको लगा के मैं कोई और मस्कारे के साथ थोड़ा लिफ्ट करना है, दैट इज समथिंग एल्स, वो एक सेपरेट इशू है. बट ये मस्कारा आपके वैनिटी में होना ही चाहिए. क्यूटी ब्यूटी ताड़ी में तारीफ कर देती है, तो उसे मैंने एक बार कमेंट कर दो थम्स अप. ओके सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं लेकर आई हूँ वो है एस्टे लॉडर की फाउंडेशन. ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो हर एक आर्टिस्ट के पास होती है वैनिटी में. सो जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनको चाहिए एक ऑयली स्किन के लिए लाइट वेट फाउंडेशन पर उसके साथ कवरेज, नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है. सो दिस फाउंडेशन इज एस्टे लॉडर एंड फाउंडेशन चाहिए बिकॉज ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है. कलर शेड्स बहुत सुंदर है. आप लोग 1W1 ले सकते हैं, 2W2 ले सकते हैं एंड 3W1 ले सकते हैं. ये तीन शेड्स हो वैनिटी में, आई थिंक इट्स परफेक्ट. सो बहुत ही अच्छी है, रनिंग फॉर्मूला है एंड स्टेज रियली वेल. ये मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत ही वायरल किया है, मैं बोलती रहती हूँ इसके बारे में, स्टूडेंट्स को बोलती रहती हूँ कोई होल पाउडर लो ना लो. बट जब से ये इन्वेंट हुआ है मुझे लगता है इस बंदे ने कमाल कर देती है, बिकॉज स्वेट कंट्रोल वाला पाउडर मुझे जल्दी कोई नहीं मिला. बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पाउडर्स बिकॉज जितनी बार भी मैं ये लगाती हूँ मैनू अपर लिप्स से करी स्वेटिंग नहीं होती जल्दी. सो टेस्ट एंड ट्राई किया हुआ प्रोडक्ट है, दिस इज वन साइज का पाउडर. अगर एक ही शेड लेना चाहते हो आप इनका शेड ट्रांसलूसेंट ले सकते हो, इसके साथ कोई और पाउडर मिक्स मैच कर लो तो इसकी जो बेनिफिट्स है डेफिनेटली आपको मिलेंगे. सो मैं कलर आप सबको दिखा देती हूँ. देखो कितना सोना रंग है ये, मिली बिल्कुल परफेक्ट जाता है, हाईलाइट भी कर देता है, स्वेटिंग भी कंट्रोल करता है, समर्स के लिए अमेजिंग है, ऑयली स्किन के लिए अमेजिंग है. तो आपके पास ये वाला वैनिटी में होना ही चाहिए. मैंने ट्राई किया आज, मुझे लगता है मैं थोड़ा हाई एंड ज़्यादा लेके आई हूँ, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ड्रग स्टोर भी लेकर आऊंगी. बट मैं जो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, दिस इज माई थर्ड डब्बी और मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है. टच में मेरे को बाबा जी दिया ना, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो जल्दी जल्दी डब्बी हो जाती है खत्म, सब इस पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं. लास्ट प्रोडक्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ वो एक ऐसी फाउंडेशन है जो मुझे रिसेंटली मिली है. राइट, मेरे पास और भी बहुत सारी हैं बट एक इसमें एक जोड़नी थी ना, एक तो मैं इसको लेकर आई हुई है, मुझे बड़ी बढ़िया लगी. ठीक है, तो ये पहले तो मैं नाम बोलना सीखिया क्योंकि इसका नाम है मैक्स मिया. ठीक है, सो ये फाउंडेशन है वेलवेट मैट फाउंडेशन, रियली गुड फॉर नॉर्मल स्किन टू ऑयली स्किन. इट वर्क्स रियली वेल और बहुत लॉन्ग टाइम तक इसका फाउंडेशन का यू नो कवरेज हिलता नहीं है, वन थिंग. ठीक है, सेकेंडली जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो ये इतना मक्खन जैसा चलता है कि आपको कंसीलर्स की करेक्शंस की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी फाउंडेशन है. जिन्होंने भी यूज़ की होगी डेफिनेटली उनको पता है, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये फाउंडेशन कैसे लगी. एक फाउंडेशन पे जाके अभी रिसेंटली आपका मन कर रहा है, अंदरों ना कह रहे हैं कि यार मैं एक फाउंडेशन लेना चाहनी है, बाय करना चाहनी है, गो एंड ग्रैब दिस वन, यू गोना लव इट एंड यू कैन यूज इट फॉर योर पर्सनल टू प्रोफेशनल यूज, दोनों के लिए बहुत कामयाब फाउंडेशन है. ये न्यू लॉन्च है, मेरे लिए तो न्यू लॉन्च है क्योंकि मैंने हुने रिसीव हुई है एंड आई रियली रियली लाइक इट. सो गाइज एक मैं बहुत ही सुंदर लुक के साथ आ रही हूँ, राखी लुक, प्लीज़ उन्हें थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार दे दियो बिकॉज मैं भी टाइम काट के थोड़ी वीडियोज बनानी है और मैंने बहुत अच्छा लगता है और मैंने लगता है लाइक्स तो ज़्यादा तो मेरे कमेंट्स होते हैं जो कि होर भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि तुम सारे नाल रिलेट करना चाहते हो. एंड प्लीज़ मैंने कमेंट करके जरूर दसना आप लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं हो या फिर आप सेल्फ मेकअप करना चाहते हो, उसके लिए सीखना चाहते हो, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आई मेक वीडियोस जो कि सेल्फ वाले हैं तो मैं उनके लिए थोड़ा ईजियर लेकर आऊंगी और जो मेकअप आर्टिस्ट है वो उनके लिए थोड़ा या अच्छे अच्छे यू नो एक ही सीखा ट्रिक्स के हाँ भी तुम कितना अचीव कर सकते हो फ्लॉलेस बाइस. सो टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय. ऐसे मेरी वीडियोस देखते रहियो, इन्हें देखना नहीं इतने पैच बनया हुआ है बट स्टिल इट लुक्स क्यूट. टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय.